सुबह करीब 4 बजे ट्रक आई थी और 8:30 बजे से ईंटें उतरनी शुरू हुई। ईंटें काफ़ी हैं, अभी 1 बजने वाला है और अभी तक ईंट उतर ही रही है। थोड़ा सा बचा है लेकिन काफ़ी है अभी। घर का प्लास्टर का काम हो जाएगा। आज सभी लोग ईंटें उतारने में ही लगे हैं। कल टंकी की ढलाई हुई थी तो उसकी तराई वराई हुई है। इधर का बांस बल्ली उतर गया है, सब फिनिश होके इतना सुंदर लग रहा है, फर्स्ट क्लास एकदम। मतलब कहीं जगह अंडरसे हो गया। ये दरवाज़ा जो बचा हुआ है सामने वाला, एक इधर वाला, वो भी रिपेयर हो गया है। कल उसका मैंने हिंज का शाफ्ट चेंज कर दिया था। कॉलर एक लगा हुआ जिससे दरवाज़ा खिंच गया है, बढ़िया से बंद हो रहा है, लॉक भी हो रहा है, तो कल उसको फिट कर दिया जाएगा। ये वाला दरवाज़ा जो इधर अंदर जो रखा हुआ है, दिस वन, तो अभी ठीक है। वो ऊपर आवाज़ आ रही है, फायर फाइटिंग वाले कटिंग कर रहे हैं प्लास्टर में से। उन्होंने लेट किया, असल में प्लास्टर से पहले ही उनको अपना पाइप लगा देना चाहिए था। अभी पीछे की तरफ से ईस्ट साइड का प्लास्टर दिखाते हैं, जो कि बांस बल्ली हट जाने की वजह से ठीक ठाक दिख रहा है। अब खूबसूरत निकल के आ गया है। ये रॉड भी देखते हैं, कुछ काम हो जाए नहीं तो कटवा देता हूँ मैं। सीधे यहीं से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर। ऐसा ही दरवाज़ा उधर लग जाएगा इस साइड में। ये रिपेयर हो गया, अभी ऊपर कटिंग हो रही है तो धूल बहुत है, यहाँ लग जाएगा। ये वाला दरवाज़ा इसमें 100 mm वाले भी मैंने ब्रिक्स मंगवाए हैं पतले। एक्चुअली जो पानी का टैंक है सीमेंट का है, हीट हो जाएगा गर्मियों में, तो ये ईंटें काफ़ी ठंडे हैं, तो एक तरह से इंसुलेटर का काम करेंगे। ये कटिंग चल रही है फायर फाइटिंग की, इतना डस्ट हो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा कुछ। चलते स्मोक डिटेक्टर का पहले पाइप ऊपर से ले जा रहे थे, इसको मैंने कहा कंसील करो। यहाँ बिजली वाले अपना कटिंग कर रहे हैं, बॉक्स वगैरह जंक्शन बॉक्स वगैरह लगाने के लिए, सर्वर टाइप का। सेकंड फ्लोर है, ये कटिंग हो चुकी है। ये जो ऊपर से तार गया हुआ है ये बाहर से दे दिया था, मैंने कहा भाई अंदर करो, बाहर से बहुत भद्दा लग रहा था। गलती इन्हीं लोग की है, एक महीने से कह रहा था कि प्लास्टर से पहले कर दो, नहीं किया। मैंने बोला भाई इसका तो खर्चा पानी तुम्ही को देना पड़ेगा, देखते हैं। स्मोक डिटेक्टर्स के लिए है सब, और यहाँ जैसे है यहाँ पे आके ऊपर में स्मोक डिटेक्टर लग जाएगा। इधर कॉर्निश का काम चल रहा है, उधर देखो थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, उधर टेढ़ा हो रहा है। फिनिश कर देगा तो हम सीधा कर देंगे सर। क्या राजेश तबीयत कैसी है तुम्हारी, तबीयत कैसी है? कुछ खराब है लेकिन तबीयत नहीं है। भारी है अभी, अभी भी भारी है।
दवा वा खाते रहो जो दिए होंगे डॉक्टर। ठीक है, प्लम्बिंग का लमसम कार्यक्रम पूरा हो चुका है, प्रेशर टेस्टिंग भी हो चुकी है, ईंटें आ गए हैं, तो बाथरूम में जो सिस्टर्न है, जो वॉल माउंटेड सिस्टर्न है, ये इसके इर्द गिर्द अब ब्रिकवर्क हो जाएगा। ये ब्रिकवर्क हो जाएगा तो हम लोग टाइल्स के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं तो इसीलिए फ़ायदा है, प्लास्टरिंग फटाफट हो जाती है, ब्रिकवर्क फटाफट हो जाता है। प्लास्टरिंग उस पर बहुत करना नहीं है क्योंकि सीधे उस पर टाइल्स चिपक जाएंगे। टैंकी कल रात को ढलाई हो गई, कल ऊपर पानी वाले टंकी की आज तरी करके बोरा डाल के तरी कर रहे हैं, उसे क्यूरिंग कर रहे हैं उसका ऊपर में। कल शाम को थोड़ा सा पाइप गड़बड़ था तो टाइम पे मैं आ गया तो ठीक ठाक करा दिया था, ओवर फ्लो का पाइप और फिलिंग का पाइप। किनारे किनारे मैंने पोल गड़वा दिए हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में रेलिंग का काम कर देगा, थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए। मुझे देख के एक वर्कर कह रहा था कि भाई ऐसा कोई करवाता नहीं है, मैं बोला मैं करवाता हूँ भाई, ये थोड़ा बाद में सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान है, वही पूरी ज़िंदगी वही काम किया है तो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा हूँ मैं। तो ये रेलिंग का पाइप साथ साथ ही जाम करा दिया है, क्योरिंग के लिए बोरा वोरा डाल के पानी डाल के रखा है ऊपर से। अभी चढ़ूंगा नहीं, अकेला है, अकेला इधर उधर कंस्ट्रक्शन साइट में करने में सेफ्टी थोड़ी सी खतरे में आ जाती है। एनी सो फार सो गुड, अभी तक की यही कहानी। चलिए साइनिंग आउट।